हम लोग ऑप्टो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसमें से हमने एक डिवाइस पढ़ ली थी फोटोडायोड। फोटोडायोड क्या करता है? आंसर है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दिस इज सेंसर, ये क्या करता है? लाइट को सेंस करता है। अगर कहीं भी लाइट आएगी, इसके ऊपर लाइट आएगी तो ये उसको सेंस करके बता देगा कि यहाँ से लाइट आ रही है। ओके, तो दिस इज सेंसर। तो फोटोडायोड किस काम में आता है? सेंसर काम में आता है टू सेंस लाइट। किसको सेंस करता है? ये लाइट को। ओके, आज हम लोग एक नया डिवाइस में स्टडी करने जा रहे हैं, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। व्हाट इज मीन बाय लाइट इमिटिंग डायोड? लाइट इमिटिंग डायोड क्या चीज है? तो आंसर है, ये भी एक फोटो डायोड है, अगेन पीएन जंक्शन फोटो डायोड। इसका काम क्या होगा? इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराकर हम लाइट बनाएंगे। जैसे सभी बल्बों में होता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बल्ब चमकते हैं, मीन्स लाइट निकलती है, इसमें से भी निकलेगी। ओके, तो इसको देखिए, इसका इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है। जैसा इलेक्ट्रिक सर्किट और डायोड का था, वैसा ये इलेक्ट्रिक सर्किट इसका भी है। डायोड के बड़े नए नए यूज हम देख रहे हैं और बड़े नए नए काम में इसको यूज कर रहे हैं। हम डायोड पर लाइट डालकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं, ये एक डायोड का एक फीचर हमको देखने को मिला। दूसरा फीचर हम आज क्या देखने वाले हैं कि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, ये इसमें से लाइट भी निकाल सकता है। ओके, तो अगर ये लाइट निकालेगा तो कैसे निकालेगा? उसके लिए हमको इसकी डोपिंग कैसी रखनी पड़ेगी और इसमें फिर से पहले इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पहले इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, इसमें पीएन जंक्शन डायोड होता है। दिस इज पीएन जंक्शन डायोड। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, इसमें ये जो हमने बीच में जंक्शन बनाया हुआ है, ये हाई कंसंट्रेशन डोपिंग होता है। इसमें जो जंक्शन होता है वो कैसा होता है? हाई कंसंट्रेशन डोपिंग इसमें हम करते हैं। ओके, तो नंबर वन इसके फीचर सुन लीजिए। नंबर वन फीचर इसका क्या है? काम क्या करेगा ये? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट करेगा? लाइट एनर्जी में। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो आंसर है नंबर वन, ईजी। ईजी क्या है? एनर्जी गैप। एनर्जी गैप कितना होना चाहिए? 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। और एनर्जी गैप को आप लोग स्टडी कर चुके हो, किस तरह का एनर्जी गैप होता है? दिस वे, लाइक दिस। ये कंडक्शन बैंड होता है और ये बैलेंस बैंड होता है। बैलेंस बैंड में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंसी का काम करेंगे और कंडक्शन बैंड में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन का काम करेंगे, करंट को फ्लो कराएंगे। अब हम यहां पर क्या करना चाहते हैं? एलईडी में हम एक काम करते हैं कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन का काम कर रहा है, हम उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ेंगे और जंप कराकर उसे वैलेंस बैंड में ले आएंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को निकालकर ला सकते हैं कंडक्शन बैंड में। तो बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को हम जब कंडक्शन बैंड में पहुंचाएंगे तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला गया। तो अब वो किसका काम करेगा? कंडक्शन का काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएगा, लेकिन बैलेंस ही तो नहीं करेगा। लेकिन हम जो एलईडी में काम करेंगे उसमें करेंगे क्या कि हम कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे, कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन को लेकर आएंगे किसी भी प्रकार से। और इसको जब हम लेकर आएंगे, कहां ले जाएंगे? बैलेंस बैंड में। और इसके बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है? ईजी 2. कितना रखा था भाई? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप यहां करेगा तो इस एनर्जी गैप के साथ वो एनर्जी को अपने में से रिलीज करेगा। क्यों रिलीज करेगा? क्योंकि दिस इज हायर एनर्जी लेवल, राइट, दिस इज लोअर एनर्जी लेवल। तो अगर उसको इस लेवल में जाना है तो जो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको उसको निकालना पड़ेगा। वो जो एनर्जी निकलती है वो किस फॉर्म में निकलती है? फोटोन के फॉर्म में निकलती है। तो वो फोटोन हमको देगा जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होगी और उस फ्रिक्वेंसी की लाइट हमको दिखती है, राइट। और अब इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ गया, इतनी गैप के बराबर उसने एनर्जी को रिलीज कर दिया, तो अब उसका एनर्जी लेवल डाउन हो गया, तो अब वो वैलेंसी का काम करेगा, कंडक्शन का काम फ्री हो गया, राइट।
और जब हम उसको लेकर आए कंडक्शन बेल्ट कहां लेकर आए बैलेंस बेल्ट में, तो उसने एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी को निकाल दिया। वो फोटोन की एनर्जी होती है, वो एनर्जी आती है, इसको हम क्या कहते हैं लाइट। ओके ठीक है, अब अगली चीज, ये जो लाइट निकल रही है, ये जो एनर्जी निकल रही है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनर्जी कितना होता है? एच न्यू। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो पूरा एक स्पेक्ट्रम होता है, और उस स्पेक्ट्रम से हमको ये पता चलता है कि लाइट की फ्रिक्वेंसी कुछ होती है, इंफ्रारेड की फ्रिक्वेंसी कुछ होती है, रेडियो की फ्रिक्वेंसी कुछ होती है, माइक्रो की फ्रिक्वेंसी कुछ होती है। तो इससे जो लाइट निकलेगी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? तो आंसर है न्यू इक्वल टू ईजी अपॉन एच। राइट, ईजी क्या है? एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड। राइट ओके, तो जिसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो ज्यादा फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, जिसका एनर्जी गैप कम होगा तो कम फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी। और आप लोग जानते हैं अगर कम फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, जैसे इंफ्रारेड निकलती है, तो इंफ्रारेड निकलेगी तो उसको तो हम आपको देख नहीं सकते। और अगर ज्यादा फ्रिक्वेंसी की निकलेगी, जैसे रेड निकला, रेड निकला उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, क्यों ज्यादा है? क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है। ऐसा मटेरियल हमने लिया जिसका एनर्जी गैप ज्यादा है तो वो ज्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट निकालेगा, और ऐसा मटेरियल लिया जिसका एनर्जी गैप कम है तो वो कम फ्रिक्वेंसी की लाइट निकालेगा। इस तरह से मटेरियल को चेंज कर करके हम कलर वाली लाइट निकाल सकते हैं। ये एलईडी का काम होता है, चूंकि ये लाइट इमिट करता है इसलिए लाइट इमिटिंग डायोड इसका नाम रखा गया, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अच्छा, अब इसमें जैसे हमने सिलिकॉन लिया या जर्मेनियम लिया, तो बेसिकली हम जो एलईडी बनाते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के नहीं बनाते, क्योंकि इनके एनर्जी गैप मान लीजिए 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 0.6 इतने होते हैं, और इतना एनर्जी गैप कम होने के कारण ये कम फ्रिक्वेंसी की क्या निकालेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। इसको हम आंखों से देख नहीं सकते लेकिन निकालेगा, पक्का निकालेगा, ठीक है ओके, लेकिन लाइट नहीं निकालेगा। इसलिए हम एलईडी सिलिकॉन जर्मेनियम के नहीं बनाते, क्योंकि एलईडी का काम हम किस लिए यूज कर रहे हैं? लाइट निकालने के लिए। ओके, और भी यूज करेंगे आगे देखेंगे अभी। एनीवे, तो ये हमको समझ में आया न्यू इक्वल टू क्या होता है? ईजी अपॉन एच। ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी, जो किस पर डिपेंड कर रही है? एनर्जी गैप पर डिपेंड कर रही है। तो नंबर वन सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है? एनर्जी गैप, अगर ये लाइट इमिटिंग डायोड है तो एनर्जी गैप 2.4 से ज्यादा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये लाइट निकालेगा, ठीक है। दूसरी चीज, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग, इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग हम रखते हैं, ओके अभी देखेंगे इससे क्या होता है। और तीसरी चीज, इसको कौन से बाइस में रखेंगे? फॉरवर्ड बाइस में। तो जितने भी आपने ऑप्टो इलेक्ट्रिकल डिवाइस पढ़े हैं तो आपको तीनों चीजें उसकी आना चाहिए, उसमें एनर्जी गैप क्या है और उसका कंसंट्रेशन कैसा है और उसको किस बाइस में रखा गया है। तो एलईडी को किस बाइस में रखते हैं? फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं। अब इसके इलेक्ट्रिक सर्किट में आते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में हम करना क्या चाहते हैं, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, हम कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन को जंप कराकर कहां लाना चाहते हैं? बैलेंस बैंड में, ठीक है, बैलेंस बैंड में हम लाना चाहते हैं। ओके, तो अभी ये किसका काम कर रहा है? कंडक्शन का। तो ये इस तरह से होता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जैसे एक सड़क पर एक आदमी चल रहा है और सामने एक गड्ढा है, और हमने उस आदमी से बोला तुम चलते चलते गड्ढे में गिर जाओ, तो वो गिरेगा क्या? क्योंकि आप ऑर्डर दे रहे हो गिर जाओ, तो गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। और अगर नहीं भी गिरेगा तो वो चल रहा है तो सामने गड्ढा दिखेगा तो वो गड्ढे में कभी कूदेगा ही नहीं, साइड से निकल जाएगा, और हम चाहते हैं वो गड्ढे में गिरे, गड्ढे में गिरे, इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कराना चाहते हैं होल से, उसको गड्ढे में गिरना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम भीड़ बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे? भीड़। तो अभी जो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था उसको गड्ढा दिखेगा, वो नहीं कूदेगा वहां पर, तो हमने भीड़ बढ़ा दी, तो 500 लोग कर दिए। तो अब 500 लोग जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे तेजी से, तो तेजी से जाएंगे तो कोई ना कोई चांस है कोई ना कोई गड्ढे में घुसेगा ही घुसेगा, क्योंकि उसको रास्ता नहीं मिलेगा साइड से निकलने का, तो वो गड्ढे में गिर जाएगा, और गड्ढे में गिरा तो वो इलेक्ट्रॉन कैसे कंबाइन हो गया? होल से कंबाइन हुआ, और जैसे ही होल से कंबाइन हुआ तो मतलब जंप कर गया वो, तो वो क्या करेगा? इस एनर्जी लेवल के बराबर एनर्जी को निकाल देगा, इसको हम क्या कहते हैं? फोटोन।
तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, हाई कंसंट्रेशन डोपिंग की है। अगर हमने हाई कंसंट्रेशन डोपिंग कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन को गड्ढे में गिराना है, होल में गिराना है, रिकम्बाइन कराना है इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हमारे पास होल का नंबर ज्यादा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। इसलिए एन टाइप में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी टाइप में कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ होल ज्यादा है। इस तरह से यहाँ पर भीड़ बढ़ गई। और दूसरी चीज, हमने इसका कनेक्शन किससे कर दिया, फॉरवर्ड वाइज से। तो अब बैटरी का फोर्स लगेगा इस पर, होल्स पर, तो वो रिपेयर होंगे, कहाँ जाएंगे, जंक्शन की तरफ जाएंगे। और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल का फोर्स लगेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, तो वो कहाँ जाएंगे, जंक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये जंक्शन में जाकर रिकम्बाइन होंगे, इलेक्ट्रॉन होल आपस में रिकम्बाइन होंगे, और जब रिकम्बाइन होंगे तो उतनी एनर्जी की लाइट निकालेंगे। वो लाइट हमको यहां से मिलती है लाइट दिस। और यहां पर हमने एक प्लास्टिक का एक बल्ब लगा के रखा हुआ है, प्लास्टिक का बल्ब, रेजिन कैप्सूल बोलते हैं इसको, रेजिन कैप्सूल प्लास्टिक का, जिसमें से लाइट निकलती है। जैसे आप देख रहे हो ये बल्ब लगे, इनमें से लाइट निकल रही है, ये प्लास्टिक का बल्ब लगा हुआ है, रेजिन कैप्सूल ट्यूब, इसमें से लाइट निकलती है, दिस इज एलईडी। तो चूंकि इससे लाइट निकल रही है इसलिए इसका नाम क्या है, एलईडी। ओके, इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसकी वर्किंग में क्या हुआ, पहले वेन करेंट फ्लो इन फॉरवर्ड वाइज, तो फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होगी, राइट, द रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन। तो जब फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो होगी तो इलेक्ट्रॉन और होल आपस में क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे, राइट, और वही हमारी रिक्वायरमेंट है, रिकम्बाइन हो तो वो लाइट निकाले। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड सॉरी होल इलेक्ट्रॉन बिकम फास्टर। इसका मतलब यह है कि हमने कंसंट्रेशन इतना ज्यादा किया है, मान लीजिए यहां पर 100,000 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 100,000 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, उसमें से 10,000 ने होल से कंबाइन करके लाइट निकाली, कितने बचे, 90। जैसे ही वो 90 होती है, बैटरी फोर्स लगाकर 10,000 और भेज देती है, तो अभी भी संख्या कितनी है, 100,000। वो 10,000 कंबाइन हुए, बैटरी ने फोर्स लगाकर 10,000 फिर दे दिए, अभी भी कितनी है, 100,000। तो हम भीड़ कभी कम करते ही नहीं है, भीड़ कम नहीं होगी तो गड्ढे में गिरते रहेंगे, गड्ढे में गिरते रहेंगे तो लगातार लाइट निकलती रहेगी, रिकम्बाइन होते रहेंगे। ओके, इस तरह से, सो फास्टर ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरी रिकॉम्बिनेशन इमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हर कॉम्बिनेशन में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, अभी मैंने आपको बताई, न्यू इक्वल टू ईजी अपॉन एच, जितना ज्यादा गैप उतनी फ्रिक्वेंसी की लाइट हमको मिलेगी, उतनी फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलेगी, जरूरी नहीं है कि लाइट ही मिलेगी, ठीक है। ओके, सिंस हाई एनर्जी गैप इज यूज, द फ्रिक्वेंसी इज विद इन रेंज ऑफ विजुअल लाइट, तो विजुअल लाइट चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी, सॉरी एनर्जी गैप हाई चाहिए, तो ऐसा मटेरियल हम यूज करेंगे जिसका एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, राइट। दिस लाइट वेव ब्राइटन अप द रेजन कैप्सूल, तो ये जो ब्राइटन अप होता है वो किससे होता है, रेजन कैप्सूल। ओके, दिस इज एलईडी। अच्छा, इसमें एक और चीज देखिए, यदि हम एनर्जी गैप चेंज कर देंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो अलग अलग एनर्जी गैप के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, और अलग अलग एनर्जी गैप अलग अलग मटेरियल में मिलेंगे। ओके, सो इसको एक लाइन में नोट कर लेते हैं, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी कैन गिव डिफरेंट कलर, अलग अलग फ्रिक्वेंसी के कारण ही कलर होते हैं, तो अलग हमको कलर चाहिए तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी की लाइट चाहिए, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहिए तो कलर निकलेगा, और अलग अलग फ्रिक्वेंसी के लिए एनर्जी गैप कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ओके, याद रहेगा, डन। अब इसके दूसरे फीचर देखिए, एलईडी के दूसरे फीचर्स में हम ये देखते हैं कि सेमीकंडक्टर हमने लिया गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ये जो मटेरियल लेते हैं इसका हम रेशियो लेते हैं, कैसा लेते हैं, रेशियो, उसमें गैलियम 1% रखेंगे, आर्सेनाइड दिस, फॉस्फाइड दिस, इस तरह से गैलियम 1, आर्सेनाइड 0.6, फॉस्फाइड 0.4, तो इनका इतना इतना परसेंटेज हम लेंगे तो हमको इस एलईडी में से जो कलर मिलेगा वो कौन सा कलर होगा, रेड कलर, तो उसमें से किस कलर की लाइट निकलेगी, रेड कलर की लाइट निकलेगी। ओके, इंफ्रारेड के लिए देखिए, इंफ्रारेड का मतलब क्या, ये 2.4 एनर्जी गैप था,
अब ये एनर्जी गैप कितना रखा है हमने, बहुत कम रखा है, 1.4 रखा है, तो लाइट नहीं निकलेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो निकलेगा, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी, तो उसका नाम क्या है, इंफ्रारेड, गैलियम आर्सेनाइड, राइट, ओके। इस तरह से मटेरियल को चेंज करके आप अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके। स्टार्टिंग में एलईडी के आने से पहले इनकंडेंसेंट बल्ब चलते थे, ये हम लोग चलाते थे, 100 वाट, 200 वाट, 500 वाट, इतने बड़े बड़े बल्ब आते थे, उनके अंदर फिलामेंट लगा रहता था, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते थे, तो फिलामेंट गर्म होता था, और गर्म होने के कारण वो चमकता था, तो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए तभी वो चमकेगा, तभी लाइट निकलेगी, ओके। उसके बाद आगे चल के इम्प्रूवमेंट हुआ, ट्यूबलाइट बनी, ट्यूबलाइट में हमको हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, लो टेम्परेचर पे भी वो चमकेगा, तो ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के बाद उसको आयोनाइज करते हैं, वो आयोनाइज करते हैं तो ट्यूबलाइट के अंदर पाउडर होता है, वो उससे टकराता है तो कलर बनता है, तो कलर की लाइट निकलती है, व्हाइट कलर की लाइट निकलती है, जो पाउडर हम उसमें यूज करते हैं। तो इनकंडेंसेंट बल्ब से सफिशियंट, मोर सफिशियंट क्या था, ट्यूबलाइट। फिर आगे चल के नई क्रांति के रूप में हमको एक नई टेक्निक मिली, सेमीकंडक्टर से हमको पता चला कि सेमीकंडक्टर से भी हमको एक नया तरह का फीचर मिल सकता है, डायोड बनाने के बाद हमको पता चला, कौन सा, एलईडी। तो एलईडी मोर सफिशियंट है, मोर सफिशियंट, उसको उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, उसमें से क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, उसको गर्म होना, गर्म होने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे लाइट निकाल देता है, राइट, ओके। तो इनकंडेंसेंट बल्ब से मोर सफिशियंट कौन है, ट्यूबलाइट, और ट्यूबलाइट से कौन है, एलईडी। अब इसके बाद एलईडी हम लोगों ने बनाए, इसके बेनिफिट क्या है, तो सभी स्टूडेंट को इसके बेनिफिट याद होने ही चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बेनिफिट देखिए और समझिए इनके बेनिफिट और एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन, लो ऑपरेशनल वोल्टेज, यूज वेरी लेस पावर। इंडिया में करोड़ों बल्ब बनाए जाते थे, 40 वाट, 100 वाट, 200 वाट, तो ये जो वोल्टेज वाले बल्ब बनते थे वो बहुत ज्यादा पावर यूज करते थे। तो इंडिया में जब हम 10 पावर हाउस चलाते थे, 10 पावर हाउस चलाते, तो वो सारे के सारे 10 पावर हाउस किस काम में यूज होते थे, इन बल्बों को चमकाने के काम में यूज होते थे, तो बहुत ज्यादा पावर यूज की जा रही थी। उसके बाद जब हमको एलईडी मिला, तो एलईडी का वोल्टेज, वो सॉरी वाट, बहुत कम होता है, 20 वाट, 10 वाट, 5 वाट, इतना कम होता है। तो अगर 20 वाट का हमने एलईडी बना भी दिया तो कितने परसेंट की बचत हुई, 80% की। तो इस तरह से जो 10 पावर हाउस केवल बल्ब को चमकाने का काम कर रहे थे, अब उसमें से केवल 2 ही चमकाएंगे, जो 8 बजे वो दूसरा काम कर सकते हैं। तो इस तरह से नई क्रांति के रूप में हमको क्या मिला, एलईडी, जिसमें पावर की बचत होती है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑर्डर दिया हुआ है कुछ टाइम पहले ही, कि जितने भी जो हमारे बल्ब थे 100 वाट 200 वाट के, उनको सबको कन्वर्ट करके हमको क्या बनाना है, एलईडी बनाना है, क्योंकि एलईडी में पावर क्या होती है, बचत होती है, और हम मोर सफिशियंट है, ओके। ये फर्स्ट। दूसरा, फास्ट एक्शन, नो वार्म अप, ये वार्म अप नहीं करता, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई तुरंत चमकेगा, तो उसको वार्म अप करने की जरूरत नहीं है, वार्म अप मतलब गर्म होने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराओगे ये वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा, तो वार्म अप वगैरह नहीं करता ये, सो फास्ट एक्शन, नो वार्म अप टाइम। इसके बाद इसकी हमने जो एलईडी बनाई, बैंडविड्थ वेरी स्मॉल, 100 to 500 एंगस्ट्रॉम, ये वाली जो बैंडविड्थ इतनी कम होती है, इससे जो लाइट निकलती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक वर्णी लाइट होती है जो एक डायरेक्शन में चलती है, क्योंकि इतनी कम बैंडविड्थ से हम लोग कलर वाली लाइट नहीं बना सकते, ओके। इसका अगला फीचर है लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ। आप लोग मार्केट में जब एलईडी परचेज करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि इनकी वारंटी बहुत आती है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो इनकी लॉन्ग लाइफ बहुत ज्यादा होती है। हाँ, इनको ये चलती किस पे, डीसी वोल्टेज पे चलती है, 2-3 वोल्ट पे चलती है, तो 2-3 वोल्ट जो डीसी वोल्टेज आता है इनको बनाता कौन है, रेक्टिफायर। तो हमारे घरों में रेक्टिफायर लगे हुए हैं, हर सर्किट में रेक्टिफायर लगे हुए हैं, उनका काम क्या करना होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारे पूरे घर में कौन सी करंट आती है, एसी, तो रेक्टिफायर उसको क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो रेक्टिफायर भले ही खराब हो सकते हैं लेकिन एलईडी कभी खराब नहीं होगी, ओके। तो इसलिए इसकी लॉन्ग लाइफ क्या होती है, बहुत ज्यादा। रगेड होते हैं, रगेड
रगेड मतलब इनको रगड़ दीजिए, पटक दीजिए, गिर दीजिए, टूटते नहीं, ये खराब नहीं होते। अगर ये बल्ब गिर गया तो उसका फिलामेंट टूट जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, इसमें फ्यूज वाला रट्टा नहीं होगा। ओके, ये इसका फीचर है। ओके, इसके बाद ये फास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर इसका, फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग, स्विचिंग के काम में ये बहुत जल्दी फास्ट होता है और बहुत जल्दी क्या होता है, ऑफ हो जाता है। जैसे हम कहीं से डाटा ले रहे हैं और वो डाटा एक सेकंड में 1,00,000 बार आ रहा है, तो 1,00,000 बार आ रहा है तो 1,00,000 बार हमको जो डाटा आता है कंप्यूटर में वो ऑन और ऑफ के बीच रूप में आता है। ऑन के लिए हम बोलते हैं दिस सिंबल, अभी आगे स्टडी करेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑन, 1 बिट आया। जब सिग्नल नहीं है तो 0 बिट, 1 बिट, 0 1, 1 का मतलब ऑन होना, 0 का मतलब ऑफ होना, बिट के फॉर्म में आता है। तो 1 सेकंड में 1,00,000 बार हो रहा है, तो हमारे पास ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो 1 सेकंड में हमको बता दे कि इतनी बार लाइट आई है और इतनी बार लाइट चले गई है। अगर हम ये वाले बल्ब लगाएंगे, इनसे भी लाइट निकलेगी, इनकी फ्रिक्वेंसी 50 CPS होती है, तो ये गर्म हो गया, ठंडा हो, होने का टाइम ही नहीं मिलता उससे पहले तो ये गर्म हो जाता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, तो हमको पता ही नहीं चल पाता कि ये गर्म है, बंद हुआ है कि चालू हुआ है। ठीक है, लेकिन एलईडी में ऐसा नहीं होता। एलईडी में आप लाइट इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो चालू है, बंद कर दोगे तो बंद होगा, एक्चुअली में बंद होगा। ठीक है, तो अब हमने एलईडी बनाए, एलईडी बनाकर सामने फोटो डायोड रखा हुआ है कंप्यूटर में, यहां से एलईडी से लाइट निकल रही है। ओके, तो कितने बार लाइट आएगी, कितनी बार लाइट ऑफ हो जाएगी, ये होना चाहिए। तो ऑफ सिग्नल आ रहा है, किससे आ रहा है, एलईडी से आ रहा है, तो एलईडी से सिग्नल आएगा तो वो 1 सेकंड में 1,00,000 बार बंद भी होगा और 1 सेकंड में 1,00,000 बार चालू भी होगा, तो ये फोटो डायोड क्या करेगा, उसको सेंस कर लेगा, तो सेंस करके हमको बता देगा यहाँ पे कंप्यूटर में कि इतनी बार सिग्नल आया था, इतनी बार सिग्नल नहीं आया था। वो काय के रूप में आता है, बिट के रूप में आता है। तो हमारे स्विचिंग ऑपरेशन में ये बहुत काम में आता है इसका फीचर एलईडी का, इसको हम बहुत यूज करते हैं कंप्यूटर में डेटा लेने के लिए, देने के लिए इसका यूज करते हैं। ओके, ठीक है, लाइट बनाने के लिए हमको जो मटेरियल चाहिए उसका एनर्जी गैप ज्यादा होना चाहिए, राइट। और यदि हम फोटो डायोड बनाना चाहते हैं, बर्गलर, कौन सी अलार्म थी, बर्गलर अलार्म, इसको चलाने के लिए हमको लाइट की जरूरत नहीं है, हम इंफ्रारेड से भी काम कर सकते हैं। रिमोट चलाने के लिए इंफ्रारेड लाइट से काम चल जाएगा, क्योंकि सामने टीवी में क्या लगा हुआ है, फोटो डायोड, इंफ्रारेड भी दबाओगे तो फोटो डायोड क्या कर लेगा, उसको सेंस कर लेगा, चाहे वो किसी फ्रिक्वेंसी की लाइट आए। सो दिस इज कंप्लीटेड एलईडी। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे सोलर सेल, राइट।